मजीठिया ड्रग्स केस पर पंजाब में सियासी आर पार क्यों, राम मंदिर के नाम पर यूपी में नई सियासी बहस क्यों, और हरीश रावत के बागी सुरों का कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर कितना पड़ेगा असर। सियासी घमासान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप नाइन चुनावी दंगल। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की मुश्किलें बढ़ गई है। गृह मंत्रालय ने मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और उनके विदेश जाने पर भी रोक लगाई है। ड्रग्स मामले में मोहाली में दर्ज हुई एफआईआर के बाद से मजीठिया अंडरग्राउंड है। मजीठिया ड्रग्स मामले पर पंजाब में सियासी घमासान तेज है। अकाली दल के नेताओं ने चंडीगढ़ में कहा है कि चन्नी सरकार ने दागे अफसर के जरिए एफआईआर दर्ज करवाई। एडीजीपी सिद्धू के मजीठिया से रिश्ते ठीक नहीं है। अब अकाली दल शुक्रवार को सभी जिलों में एसएसपी के दफ्तरों का घेराव करेगा। विक्रम मजीठिया के बचाव पर कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर जब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष थे तो खुद मजीठिया पर सवाल उठाते थे, जब सीएम बने तो चार साल जांच की बात की पर कभी एक्शन नहीं लिया। सोनभद्र की जन विश्वास यात्रा में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले गरीबों का राशन हड़प जाते थे और सरकारी नौकरियों के नाम पर वसूली करते थे। सहारनपुर में हुई बीजेपी की रैली में जय श्री राम का जयकारा लगाने वाले मुस्लिम युवक को पुलिस सिक्योरिटी मिली है। कट्टरपंथियों की धमकियां मिलने के बाद एहसान राव को पुलिस ने एक गनर दिया है। उसने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अयोध्या में राम के नाम पर लूट मचाई। विधायक अधिकारियों और नगर सेवक ने मंदिर के नाम पर अकूत संपत्ति अर्जित की है। कांग्रेस के मंदिर वाले आरोपों पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी सांसद सुरेश पाठक के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण ट्रस्ट देख रहा है। बीजेपी पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ ही कांग्रेस भव्य राम मंदिर के निर्माण से परेशान है। उत्तराखंड में हरीश रावत के बगावती सुरों से कांग्रेस कमेटी की टेंशन बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि संगठन से सहयोग नहीं मिल रहा है, आलाकमान ने मुंह फेर लिया है, इससे उनकी दुविधा बढ़ रही है। अब भगवान केदारनाथ ही उनका मार्गदर्शन करेंगे। गोवा के चुनावी दंगल में केजरीवाल ने पूरा जोर लगा दिया है। आज उन्होंने पणजी में कहा कि गोवा में टीएमसी का कोई वजूद नहीं है। महज 3 महीने पहले ही गोवा में टीएमसी की एंट्री हुई है। उन्होंने गोवा में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।